करता आज आपके साथ एक नए सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल 4-9। चलिए एग्जांपल से देखते हैं हमने क्या बोला कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, हम जब सम करते हैं ऑल डिजिट्स का तो जो हमें रिजल्टेंट मिलता है वो हमारा मल्टीपल होना चाहिए 9 का। आइए एड करते हैं 8 और 1 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 6 27। ये हमें क्या मिला, सम ऑफ डिजिट्स। हमें क्या बोला, जो हमारा सम ऑफ डिजिट है ये क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल, मतलब 9 इस नंबर को डिवाइड करना चाहिए, ये नंबर हमारा 9 के टेबल में आना चाहिए, उसी को तो हम बोलते हैं 9 का मल्टीपल। तो ये नंबर हमारा 9 के टेबल में आ रहा है तो हम बोलेंगे ये हमारा जो नंबर दिया हुआ था ये हमारा 9 से डिवाइड होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, हमें क्या बोला सम ऑफ डिजिट, हम सम ऑफ डिजिट करेंगे 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 2 21, 21 प्लस 6 अगेन 27। ये हमारा क्या है 9 का मल्टीपल, ऐसे तो लिखते हैं 39, मतलब ये 9 का मल्टीपल है, जो नंबर हमें दे रखा था वो हमारा 9 से डिवाइड होगा, मतलब जो नंबर हमें दिया गया था वो डिविजिबल है किससे, 9 से। आज हम सीखने वाले हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो हमने क्या देखा, 11 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम ट्रिक देखते हैं कि हमें कुछ नंबर दिया गया होगा वो हमें चेक करके बताना होगा कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है डिफरेंस करना है किसका, सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस, वो हमारा या तो 0 आना चाहिए या हमारा 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो आपको अगर ये समझ नहीं आया तो दोबारा देखो, सम ऑफ ऑड प्लेसेस मतलब ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये 4, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। ओड प्लेसेस मतलब जो ओड नंबर के जगह पे है, यहाँ पे ओड नंबर 1, 3, 5, यहाँ पे ओड नंबर 1 पे 9, 9 में क्या ऐड करेंगे 3 वाले प्लेस वाला नंबर प्लस 3, उसके बाद 5 प्लेस वाला नंबर इज 9, 9, 9, 18 और 3, 21। ये हमारा हो गया सम ऑफ ओड प्लेसेस। और अब हम क्या निकाला है, सम ऑफ इवन प्लेसेस, फिर उसका डिफरेंस। तो इवन प्लेसेस मतलब 2 पे 4 पे और 6 पे, 2 पे क्या लिखा है 2 प्लस 4 पे क्या लिखा है 4 और 6 पे क्या लिखा है 4, 4 और 4 8 और 2 10। तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या आ गया सम ऑफ इवन प्लेसेस। तो हमने ट्रिक में क्या सीखा था, जो हमारा सम आता है ओड प्लेसेस का उसमें से डिफरेंस लेंगे किसका, इवन प्लेसेस का, मतलब ये हमारा क्या था 21, 21 से 10 माइनस किया तो हमारा क्या आया 11। हमने ट्रिक में क्या देखा था, अगर ये हमारा 11 या फिर 0 इन दोनों में से आए तो जो हमारा नंबर दिया हुआ था वो हमारा 11 से डिविजिबल होगा। आइए फ्रेंड्स एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या बोला सम ऑफ ओल्ड प्लेसेस, तो ओल्ड प्लेसेस वाले को सम कीजिए 8 और 3 11, फिर हमने बोला इवन प्लेसेस वाले का सम कीजिए 7 और 4 11, फिर बोला कि ओल्ड वाले में से इवन वाले घटा दो, तो ये हमने डिफरेंस ले लिया तो हमारा डिफरेंस क्या आया 0। अगर 0 आता है या 11 ही आता है तो हम बोलते हैं वो हमारा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। आई होप दोस्तों आपको ये ट्रिक समझ आई होगी, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।